भारत के मिशन चंद्रयान 2 को लेकर रविवार को एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे देश में उम्मीद की एक नई किरण जग गई। चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काट रहे ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम की थर्मल इमेज भेजी, जिससे विक्रम की सही लोकेशन का पता चल गया, यानी भारत के करोड़ों देशवासियों की दुआएं काम आई। विक्रम का मिलना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इसरो को विक्रम की सही लोकेशन तो मिल गई है, लेकिन अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है और ना ही ये पता चल पाया है कि उसे कोई नुकसान हुआ है या नहीं। इसरो लगातार विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर विक्रम से संपर्क हो गया तो कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठ सकेगा। लेकिन इससे पहले इसरो के लिए ये जानना अहम है कि लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड कर पाया या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सतह पर उतरने से पहले ही दिशा भटक गया हो। अगर विक्रम ने क्रैश लैंडिंग की तो उसे कितना नुकसान हुआ? क्या विक्रम तक सूर्य की रोशनी पहुंच रही है? विक्रम में सोलर पैनल लगे हैं। अगर उस तक रोशनी पहुंच रही है तो वो फिर से एक्टिवेट हो सकता है। ये सब जानने के लिए इसरो के लिए अगले 12 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। दरअसल चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी तरह से काम कर रहा है और वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की परिक्रमा कर रहा है और ये 7.5 साल तक एक्टिव रहेगा। यानी ऑर्बिटर से चांद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इसरो को मिलती रहेंगी। ऑर्बिटर का कैमरा अब तक के मून मिशनों में इस्तेमाल हुए कैमरों में सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला है। यही नहीं, ऑर्बिटर अगले 2 दिनों में उसी लोकेशन से गुजरेगा जहां लैंडर से संपर्क टूटा था। और अब जबकि लैंडर की लोकेशन मिल गई है तो ऑर्बिटर से फिर से उसी लोकेशन के गुजरने पर एक बार फिर विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की जा सकती है। ऑर्बिटर जो तस्वीर भेजेगा उससे डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा। इसरो चीफ के सिवन भी कह चुके हैं कि अगले कुछ दिनों में लैंडर विक्रम को खोजा जा सकेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडर से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसरो से संपर्क टूटने के बाद जिस लैंडर विक्रम की एक झलक के लिए पूरे देशवासी दुआएं मांग रहे थे, 36 घंटे बाद उसकी एक तस्वीर ने भारत की आस बढ़ा दी है। जब से विक्रम की लोकेशन का पता चला है, इसरो लगातार उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि तस्वीर मिल गई है तो जल्द ही सिग्नल भी मिल जाएगा। विक्रम के अंदर ही प्रज्ञान रोवर है जिसे विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद बाहर निकलना था। आपको बता दें कि 22 जुलाई को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के बाद 47 दिन तक चंद्रयान ने सारी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की। इस दौरान चंद्रयान 2 ने करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। 6 से 7 सितंबर की रात को लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। सब कुछ बिल्कुल इसरो की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अचानक विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया और संपर्क टूटने के साथ ही पूरे देश में एक मायूसी पसर गई। लेकिन ऑर्बिटर ने जो तस्वीरें भेजी है उसने करोड़ों देशवासियों में एक बार फिर से जोश भर दिया है। भारत माता की भारत माता की। आप वो लोग हैं जो माँ भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो माँ भारती के जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो माँ भारती के लिए जज्बा रखते हैं और इसलिए माँ भारती का सर ऊंचा हो, इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं।
अपने सपनों को समाहित कर देते हैं। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था और इसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका। कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं आपसे बातें करूं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था। बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था, उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया,
माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स, फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स द एंटायर नेशन वॉज अवेक. वी वेर अवेक इन सॉलिडरिटी विथ अवर साइंटिस्ट हू हैड एम्बार्क on one of the most ambitious mission of our space program. We came very close, but we will need to cover more ground in the times to come.